फिर अमन भैया ने कहा कि लेकिन उन्हें तो कोई डिजाइन लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, सारे कपड़े अलग अलग हैं। भाई अगर मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है तो फिर तो एक बिजनेस कोई भी कर लेगा ना, इसमें बड़ी बात क्या है। आपने खुद तो बहुत बेसिक सा डिजाइन पहना हुआ है। दोस्तों शार्क टैंक में आए सिद्धार्थ डुंगरवाल अपने स्टार्टअप स्निच के साथ। इनका स्टार्टअप लड़कों के लिए कपड़े बनाता है और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। इनकी मेन यूएसपी है कि ये एक अफोर्डेबल फास्ट फैशन ब्रांड है। फास्ट फैशन ब्रांड बोले तो ऐसे ब्रांड्स जो ट्रेंड पे खेलते हैं। वो देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, और फिर वैसे ही कपड़े जल्दी से जल्दी बनाकर सेल लगा देते हैं। ऐसे ब्रांड्स हर हफ्ते नए डिजाइन्स, नए कपड़े लॉन्च करते हैं और फिर तुरंत उसे सेल लगाकर बेच भी देते हैं। अब शार्क टैंक पे इनकी आस्क थी 1.5 करोड़ रुपए की अपनी कंपनी की 0.5% इक्विटी के लिए। देख रहे हो असली शार्क कौन है। सबसे पहले इन्होंने शार्क्स को अपने बारे में बताया कि ये बैंगलोर से है और इनके पास कोई भी IIT या IIM की फैंसी डिग्री नहीं है, ये एक सिंपल BCOM ग्रेजुएट है। और इन्होंने बिजनेस की शुरुआत सादा कपड़ा बेचने से करी थी, लेकिन फिर एक दिन इनके पास एक दुकानदार का कॉल आया जिसने इनको उस कपड़े से शर्ट बनाने को बोला। फिर इन्होंने शर्ट्स बनाई और 2 दिन के अंदर इनकी सारी शर्ट्स बिक गई। वहां से ये मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आ गए और उस बिजनेस को इन्होंने 50-60 करोड़ तक स्केल किया। फिर इन्हें मार्केट में बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया। इन्हें दिखाई दिया कि सारे ब्रांड्स एक जैसा ही काम कर रहे हैं, एक जैसे ही कपड़े बना रहे हैं, और वहां से इन्होंने फिर स्निच की शुरुआत करी। अब आज के वक्त में इनकी वेबसाइट पे हर रोज 50-60 हज़ार लोग आते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1700 रुपए का है। इसके बाद शार्क अनुपम मित्तल ने इनके कपड़े देखे और उनका दाम पूछा, तो फाउंडर ने बताया कि ये जो व्हाइट हुडी है ये लगभग 1500 रुपए की बिकती है और ये जो ब्लैक जीन्स है ये लगभग 1600 रुपए की बिकती है। फिर शार्क नमिता थापर ने इनसे पूछा कि ये कपड़े डिजाइन कौन करता है और अप्रूव कौन करता है, तो फाउंडर ने बताया कि इनके पास 7 से 8 लोगों की डिजाइनिंग टीम है, इसके अलावा ये खुद भी डिजाइन में मदद करते हैं। फिर अमन भैया ने कहा कि लेकिन उन्हें तो कोई डिजाइन लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, सारे कपड़े अलग अलग हैं। तो फाउंडर ने बताया कि इनका बिजनेस ही यही है फास्ट फैशन का, जहाँ हर दिन हर हफ्ते डिजाइन बदलते रहे, तो फिर तो इन्हें डेड स्टॉक की दिक्कत आती होगी ना। डेड स्टॉक का मतलब ऐसे कपड़े जो बहुत लंबे टाइम तक ना बिके, जिसकी वजह से इनको नुकसान है। तो फाउंडर ने बताया कि कोई भी फैशन ब्रांड बिना डेड स्टॉक के बड़ा बन ही नहीं सकता है, ये दिक्कत इस इंडस्ट्री में बहुत नॉर्मल है, और इससे बचने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ये बैच में कपड़े बनाते हैं। यानी पहले 50-100 पीस बना लेते हैं, अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, और अगर वो कपड़े जल्दी से बिक जाते हैं तो ही ये और कपड़े बनाते हैं। इसके बाद पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि क्या ये सब कुछ करने के लिए इन्होंने अपनी कोई टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो फाउंडर ने बताया कि इन्होंने खुद की कोई सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, ये सारा काम व्हाट्सएप पे ही मैन्युअली हो जाता है, लेकिन अगर इन्हें आगे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मार्केट में पहले से ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीयूष भाई ने कहा लेकिन भाई अगर मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है तो फिर तो एक बिजनेस कोई भी कर लेगा ना, इसमें बड़ी बात क्या है। तो फाउंडर ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, 25 दिन में कपड़े डिजाइन करना, बनाना और फिर उन्हें बेच देना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर पीयूष भाई ने इनसे पूछा कि ये जो बड़े ब्रांड्स हैं पेंटालून्स, एलन सोली या वैन ह्यूसेन वगैरह, ये बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे। तो फाउंडर ने बताया कि ये ब्रांड्स अभी भी उसी पुराने तरीके से चल रहे हैं और यहाँ पे सारा गेम सप्लाई चेन का है, जिसने ये सप्लाई चेन क्रैक कर ली वो ये धंधा कर सकता है। फिर अमन भैया ने पूछा कि लेकिन आपने खुद तो बहुत बेसिक सा डिजाइन पहना हुआ है, तो इनका कहना था कि इन्होंने ये चीज शाक अमन गुप्ता से ही सीखी है कि जहां भी चलो अपना ब्रांड लगा के चलो, और शाक अमन गुप्ता ही इनके इंस्पिरेशन है। फिर पीयूष भाई ने इनसे इनकी सेल और मार्जिन पूछा, तो इन्होंने बताया कि इन्होंने पिछले महीने 9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, जिसमें से 40-50 लाख रुपए के आसपास इनका प्रॉफिट था, और इनका कहना था कि अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि इन्हें स्केल करना है। देख रहे हो बिना ध्यान दिए बंदा 50-60 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, भाई इसने ध्यान दे दिया तो क्या कर देगा। फिर पीयूष भाई ने इनसे इनकी पिछली फंडिंग राउंड के बारे में पूछा, तो फाउंडर का कहना था कि इन्होंने अभी तक कोई फंडिंग नहीं उठाई है और ये बूटस्ट्रैप बिजनेस है। बूटस्ट्रैप मतलब 100% इक्विटी इनके पास है, इन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। अब ये बात सुन के पीयूष भाई हैरान रह गए कि भाई बिना पैसा उठाए इतना बड़ा बिजनेस बना दिया। तो फाउंडर ने बताया कि इनके ऊपर अभी लोन है 4.5 करोड़ का, जिससे ये कंपनी चला रहे हैं। फिर इनसे इनका रेवेन्यू पूछा गया, तो पिछले साल इन्होंने 44 करोड़ का रेवेन्यू किया था और इस साल 100 करोड़ का टारगेट है। अब ये सुन के शायद अनुपम मित्तल हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि भाई आपको इतनी क्लैरिटी कहां से मिलती है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है। तो फाउंडर ने बताया कि ये बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, इंटरनेट पे चीजें देखते रहते हैं, वहां से इन्हें नॉलेज मिलती है, लेकिन इन्हें सपोर्ट सबसे ज्यादा इनके पिताजी ने किया है। इनके पिताजी ने ही इनको इनकी पहली दुकान दिलाई थी, इंडिपेंडेंट बनाया था, और ये अपने पिता को अपना आइडल मानते हैं। अब ये चीज शाक अनुपम मित्तल को बहुत ज्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा कि भाई आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार
करा दिया है और इस चीज़ के लिए मैं आपके माता पिता को सलाम करता हूँ। लेकिन ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ की फंडिंग से कुछ नहीं होने वाला। आपको अभी इस वक्त एक बड़े फंडिंग राउंड की जरूरत है, तभी आप एक ग्लोबल ब्रांड बन पाएंगे। तो फाउंडर ने भी इस चीज से अग्री किया और उन्होंने बोला कि मैं शार्क टैंक पे पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं शार्क्स के लिए आया हूँ। और वो पांचों शार्क्स को अपनी कैप टेबल पे चाहते हैं, यानी एज एन इन्वेस्टर चाहते हैं, क्योंकि शार्क्स के साथ इनकी ग्रोथ बहुत तेज होगी। फिर अमन भैया ने इन्हें बताया कि भाई उन्होंने भी कभी मार्केटिंग की अलग से पढ़ाई नहीं करी, शुरुआत में उन्हें भी मार्केटिंग, कस्टमर एक्विजिशन या फिर बिजनेस वगैरह नहीं आता था। उन्होंने ये सारी चीजें यूट्यूब देख देख कर और लोगों से बात करके सीखी, प्लस इन्हीं की तरह उन्होंने भी 100 करोड़ तक कोई फंडिंग नहीं उठाई। तो इस मामले में ये दोनों काफी सिमिलर है। फिर पांचों शार्क्स ने इन्हें ऑफर दिया। शार्क्स का ऑफर था 1.5 करोड़ रुपए इनकी कंपनी की 1.5% इक्विटी के लिए। फाउंडर इस ऑफर के बारे में सोच ही रहे थे कि शार्क्स ने इन्हें मक्खन लगाना चालू कर दिया और फाइनली फाउंडर ने हां कर दी और ये डील क्लोज हो गई। अब दोस्तों जहां तक बात है इनके बिजनेस की, तो बस दम तो है बंदे में। और इंडिया में अपैरल की मार्केट लगभग 96 बिलियन डॉलर की है और ये हर साल 3.5% से ग्रो कर रही है। तो इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। एक तरफ जारा और H&M जैसे फिरंगी ब्रांड्स हैं, तो दूसरी तरफ वैन ह्यूसन और एलन सोली जैसे इंडियन ब्रांड्स हैं, और हर ब्रांड फास्ट फैशन में घुसना चाहता है। अब इस कैटेगरी की सबसे बड़ी दिक्कत रही है सस्टेनेबिलिटी, कि ब्रांड्स ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में बहुत सारे कपड़े बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं और जैसे ही ट्रेंड बदलता है वो पुराने कपड़े फेंक देते हैं, जिससे पॉल्यूशन फैलता है। इसके अलावा ये फास्ट फैशन ब्रांड्स अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी और जहरीली डाइज नदियों में छोड़ देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। और इस इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज ये है कि इंडिया अब धीरे धीरे ब्लू कॉलर इकोनॉमी से गोल्ड कॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है लोग खर्चा भी ज्यादा कर रहे हैं। आज अच्छा दिखने के लिए लोग कपड़ों पे, जूतों पे कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार है। और भारत सरकार की तरफ से मित्रा और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स तो है ही, जो इन ब्रांड्स को सपोर्ट कर रही है, ताकि ये सिर्फ इंडिया में एक्सपैंड ना करें बल्कि ग्लोबली एक्सपैंड करें। अब दोस्तों इस सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शार्क टैंक में लेंसकार्ट को टक्कर देने आयनिक नाम का स्टार्टअप आया था, जिसकी शार्क अमित जैन ने जमकर धुलाई करी थी। लेकिन फाउंडर्स की हिम्मत देख के सारे शार्क्स हैरान रह गए थे। तो क्या किया था फाउंडर्स ने ऐसा, जानने के लिए कमेंट्स में वीडियो का लिंक है, उसे जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।